हेलो फ्रेंड्स, पिछले 22 दिन से अमेरिका में शटडाउन की स्थिति बनी हुई है, यानी कि अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन। स्थिति बद से बदतर है। लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी घर पे बैठने पे मजबूर है और डोनाल्ड ट्रंप है कि अपने जिद पे अड़े हुए हैं। यानी कि सिचुएशन अब ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी वहाँ इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। लेकिन ये शटडाउन होता क्या है, ये स्थिति क्यों पैदा हो जाती है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी जो शटडाउन चल रहा है ये काफ़ी बड़ा अभी टॉपिक है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, बैंक, SSC, रेलवे, तो इससे एक क्वेश्चन आएगा और इंटरव्यू में तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और UPSC, JPSC जैसे कमीशन एग्ज़ाम में भी शटडाउन को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि शटडाउन होता क्या, शटडाउन की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है, क्या इससे पहले भी कभी शटडाउन की स्थिति पैदा हुई थी या फिर ये पहली बार है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शटडाउन होता है क्या। शटडाउन का मतलब होता है सरकारी कामकाज लगभग ठप हो जाना, ठीक है। तो दरअसल अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर वॉल के निर्माण के लिए $5.6 बिलियन के फंडिंग को जब अमेरिकी संसद में मंजूरी नहीं मिली, तो उसके रेस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने 22 दिसंबर 2018 को शटडाउन की घोषणा कर दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही रिफ्यूजीज के अपने देश में आने के अगेंस्ट में थे। वो शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, और इसलिए 2016 के चुनावी अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देशवासियों से ये वादा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक मजबूत दीवार बनवाएंगे। इस दीवार को बनवाने के लिए जो खर्च आ रहा है वो लगभग $5.6 बिलियन, इसको अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये लगभग 36,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। इतनी बड़ी धनराशि को सदन में मंजूरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि को आप दीवार बनाने के लिए खर्च करिए, फिजूल खर्च है और ये जनता के टैक्स का पैसा, तो आप इतनी बड़ी धनराशि क्यों खर्च करना चाहते हैं, इसलिए इसे मंजूरी नहीं मिली। और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ जो वहाँ के बुद्धिजीवी है या फिर कर्मचारी संगठन है या फिर जो भी पत्रकार लोग हैं, वो भी इसके अगेंस्ट में आ गए कि आप इतना पैसा वेस्ट ना करें, आपको अगर दीवार ही बनाना, आपको अगर बॉर्डर ही बनाना, तो आप क्यों ना उसको फेंसिंग करवा दें, आयरन के वो लोहे के तार से, कांटे तार से उसको आप फेंसिंग भी तो करवा सकते हैं। तो इसलिए इसको फंडिंग को मंजूरी नहीं मिली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक इस फंडिंग की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक वो किसी भी बिल पर साइन नहीं करेंगे, तो इसलिए ऐसी स्थिति अमेरिका में पैदा हो चुकी है। अब हम समझते हैं कि US शटडाउन एक्चुअल में है क्या। तो US शटडाउन जो है यहाँ पे, दरअसल US के संविधान, अमेरिका के संविधान में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है। एंटी डेफिशिएंसी एक्ट के अंदर जब किसी कार्य योजना की मंजूरी के लिए फंड नहीं मिलता तो उस समय सरकारी कामकाज ठप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारी जो विभाग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, Class 1 और Class 2 में। पहला होता है Class 1 और दूसरा है Class 2। Class 1 और Class 2 में इसको डिवाइड किया जाता है। इसको डिवाइड किया जाता है इसके ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए जो काम ज़्यादा ज़रूरी है, सपोज़ डिफेंस में कर्मचारियों को आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं, डिफेंस को आप एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं दिया जा सकता, तो डिफेंस को Class 1 में रखेंगे। जो इनकम टैक्स विभाग है उसको आप चाहे तो 10 दिन बंद रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 दिन बंद रखिए इनकम टैक्स। या फिर जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको अगर आप 15 दिन बंद रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको Class 2 में रखते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको Class 1 में रखते हैं। Class 1 और Class 2 में कर्मचारियों को डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि Class 1 के जो कर्मचारी है उनको काम पे तो बुलाया जाता है लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। Class 1 जब तक शटडाउन की स्थिति है Class 1 के कर्मचारियों को काम पे बुलाया जाता है लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ Class 2 के जो कर्मचारी है उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है,
ये शटडाउन की स्थिति जब तक रहे, 10 दिन 15 दिन एक साल जितने दिन भी रहे, क्लास टू के कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है और उनको वो अनपेड लीव होता है, उनको भी सैलरी नहीं मिलती है। फिर जब शटडाउन जब खत्म हो जाता है तब उस समय क्लास वन के कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है और क्लास टू के कर्मचारियों को वापस से काम पे बुलाया जाता है। अब देखिए इनकी स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, इनको काम करवाया जा रहा लेकिन सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन ठीक है, इनको सैलरी फाइनली मिल जाएगा, लेकिन इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि इनको छुट्टी पर भेज दिया गया अनिश्चितकालीन, 10 दिन 15 दिन एक साल दो साल भी हो सकता है, इनको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब सोचिए सरकारी कर्मचारी तो कहीं और काम भी नहीं कर सकते, तो इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए जो कर्मचारी विभाग है वो सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो ये स्थिति है अमेरिका की। अब ये क्या जो चल रहा है, जो शटडाउन की स्थिति, ये कब तक रहेगी ऐसा कोई नहीं बोल सकता, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। इससे ऐसा नहीं कि पहला बार शटडाउन की स्थिति, इससे पहले भी काफ़ी बार शटडाउन हो चुका अमेरिका में, काफ़ी बार 1790 से ही ये होता आया, काफ़ी बार ये हो चुका। लेकिन सबसे लंबा जो शटडाउन था वो 1995-1996 में हुआ था, 1995-1996 में ये सबसे लंबा शटडाउन हुआ था, 21 डेज का था ये। हालांकि ये रिकॉर्ड टूट चुका, 22 दिन तक अभी हो चुका, अब पता नहीं कब तक रहेगा। ये सबसे लंबा शटडाउन था इससे पहले तक, ये हुआ था 16 दिसंबर 1995 to 5 जनवरी 1996। ये 21 दिन का शटडाउन था जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन पार्टी से उनकी सहमति नहीं बनी थी बजट को लेकर के, उस समय ये शटडाउन हुआ था 21 दिन का, ये सबसे बड़ा शटडाउन था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका, पिछले 22 दिन से ये शटडाउन की स्थिति बनी हुई है। अब ये शटडाउन से दूसरे कंट्रीज़ को या इंडिया को क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता, अभी तक तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है कि अगर और कुछ दिन चला तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका, तो अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती तो इसका इम्पैक्ट लगभग हल्का फुल्का हो या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन दुनिया में पड़ता है। तो हो सकता है ये शटडाउन अगर काफ़ी दिनों तक चल गया, हो सकता है वहाँ पे कुछ, अगर वैसे भी अमेरिका में ट्रेड वॉर चल ही रहा तो ये सब प्रॉब्लम से दुनिया को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। खैर शटडाउन के लिए इतना काफ़ी था, आप इस शटडाउन के वीडियो को देखें और इससे हो सके तो कुछ और नोट्स बना लें, और कुछ अगर आपको इससे जानकारी चाहिए, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों आपको याद नहीं रख सकते और बहुत ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इस पर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।